हो जाते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सुनने में कभी कभी कान तो खुले रहते हैं लेकिन कभी कभी आंखें थोड़ी सी झपक जाती हैं और स्वाभाविक भी है लेकिन हमारे मीडिया के मित्र जो हैं वो बहुत है, 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 चारों तरफ उनकी नज़रें घूमती रहती हैं और जिसकी भी थोड़ी सी आंख झपकने वाली होगी क्योंकि वो तो बेचारा सुन रहा है बड़े ध्यान से सुन रहा है तो उसकी फोटो जो है वो कैद हो जाती है देवियों और सज्जनों हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कानपुर के किसी भी शिक्षण संस्थान में जब मैं आता हूँ तो मेरे मन में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं क्योंकि मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन निर्माण के आरंभिक वर्ष बिताते हैं उस स्थान से विशेष लगाव का होना स्वाभाविक भी है आपके संस्थान के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों और अधिकारियों वर्तमान तथा पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं आपके संस्थान का गौरवशाली इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही भारत में हो रहे औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल हब के रूप में कानपुर को जो प्रसिद्धि मिली उसके पीछे आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है आयल टेक्नोलॉजी पेंट टेक्नोलॉजी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तथा फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए योगदान के कारण भी इस विद्यालय की इस विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान रही है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलता के प्रभावशाली कीर्तिमान स्थापित किए की हैं वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया मुझे विश्वास है कि इस परिवर्तन का प्रभावी उपयोग करते हुए यहाँ गुणवत्तापरक और उपयोगी अनुसंधान पर और अधिक बल दिया जाएगा साथ ही शिक्षण के स्तर में भी और अधिक सुधार होगा आप सबका यह सौभाग्य है कि स्वयं में एक प्रभावी शिक्षिका जो रह चुकी हैं एवं प्रखर शिक्षाविद हैं राज्यपाल महोदया वो आपके विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं और उनका आपका आप सबको मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को को कार्यरूप देने के लिए एच में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्कृति की गई है इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्कृति की गई है मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे देवी और सज्जनों हम सब जानते हैं कि दुनिया में वही देश अग्रणी होते हैं जो इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देकर अपने देशवासियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सक्षम बनाते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी अपनी साख बढ़ाई है लेकिन अभी हमारे देश को बहुत आगे जाना है इस संदर्भ में हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे देश के टेक्निकल संस्थानों को अपने विद्यार्थियों में अन्वेषण नवाचार और उद्यमशीलता की सोच विकसित करने के प्रयास करते रहना चाहिए उन्हें शुरू से ही ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें वे जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में भारत के युवा सफलता के ऐसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी कुछ वर्षों पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1990 के बाद जन्म लेने वाले यानी 31 वर्ष से कम आयु के 13 युवा उद्यमियों ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट वैल्यू अर्जित करके बिलेनियर क्लब में अपना स्थान बनाया है उनमें एक 23 वर्ष का नवयुवक भी है जिसने तीन साल पहले यानी 20 साल की उम्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित अपना कारोबार शुरू किया उसकी कंपनी द्वारा हर महीने लगभग 300 करोड़ रुपए की डिजिटल लेंडिंग की जाती है यहाँ उपस्थित युवाओं को यह जानकर प्रेरणा प्राप्त होगी कि भारत में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक एसेट वैल्यू वाले लोगों में सेल्फ मेड उद्यमियों की संख्या लगभग पैंसठ प्रतिशत हो गई है पैंसठ प्रतिशत यानी आज भारत में 100 में से पैंसठ अरबपति पैतृक उद्यम के बल पर ही नहीं बल्कि स्वावलंबन बल के बल पर सफल उद्यमी बन चुके हैं देवियों और सज्जनों हमारे देश के संदर्भ में किसी भी टेक्नोलॉजी की वास्तविक सफलता तब मानी जा सकती है जब उससे समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्ग भी लाभान्वित हो मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि यह यूनिवर्सिटी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर शिक्षा स्वास्थ्य आजीविका और पर्यावरण के क्षेत्रों में प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है एचबीटी के पूर्व विद्यार्थियों ने संस्थान के ध्येय वाक्य श्रम एवं परम तपाह को चरितार्थ किया है तथा देश विदेश में अपना सम्मानजनक स्थान बनाया है लगभग पांच दशक पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे श्री केशव देव मालवीय से लेकर आज के युग में वर्ड स्मिथ जैसे आधुनिक नॉलेज पोर्टल को विकसित करने वाले श्री अनुगर्ग बिजनेस लीडरशिप के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले श्री अनिल खंडेलवाल तथा इंडिया मार्ट के संस्थापक श्री दिनेश अग्रवाल जैसे अनेक पूर्व विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान का गौरव बढ़ाया है यहाँ के पूर्व विद्यार्थी अनेक शिक्षण एवं शोध संस्थानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री बलराम उपाध्याय आपके एलोमनाई एसोसिएशन को उत्साहपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाले एच के ऐसे सफल पूर्व विद्यार्थियों की सूची बहुत बड़ी है अतः सबके नाम का उल्लेख करना संभव नहीं है लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मायने रखता है और चांसलर महोदया ने जो एक बात उन्होंने अपने उद्बोधन में कही मुझे लगता है उसको हमें अमल में लाना है तो कुछ ना कुछ उसमें आगे बढ़ना होगा और उन्होंने ये कहा कि स्वेच्छा से आप आगे आइए और जो समाज का एक ऐसा वर्ग है एक शोषित वर्ग है पिछड़ा वर्ग है दलित वर्ग है वंचित वर्ग है जिनके लिए वो स्कूल की फीस भरना नामुमकिन हो जाती है उनको दूसरों का ट्यूशन और दूसरे क्लासेस अभी वाई क्लासेस चल रहे हैं वो उनकी भी फीस भरना मुश्किल हो जाती है ये ऐसे बच्चों को क्या हम कुछ इस प्रकार की स्कॉलरशिप या किसी मैं एलोमनाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर सोचिएगा क्योंकि अभी दो दिन आपका और चलने वाला है इस पर आप करिए ये विद्यालय ये विश्वविद्यालय आपका है और आपका ही रहेगा देवी और सज्जनों मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का एसोसिएशन जिसके करीब पांच हजार सदस्य हैं सक्रिय रूप से इस संस्थान के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहे लगभग दो साल पहले राष्ट्रपति भवन में आईआईटी दिल्ली के एक इंडाउमेंट फंड को आरंभ करने का मुझे अवसर मिला था ऐसे फंड के माध्यम से पूर्व विद्यार्थी अपने संस्थान की बेहतरी के लिए डोनेशन दे सकते हैं और ज़रूरतमंद छात्रों की सहायता कर सकते हैं उस इंडाउमेंट फंड की शुरुआत के समय ही पूर्व छात्रों ने 200 करोड़ रुपए का डोनेशन सुनिश्चित कर दिया था ऐसे एंडाउमेंट्स के जरिए पूर्व विद्यार्थी भावी पीढ़ियों के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं मैं देश भर के देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोहों में गया हूं, जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है क्लैपिंग नहीं होगी <laughs> जिस समाज में हम रहते हैं वो बेसिकली मेल डोमिनेटेड है और उसमें हम लोगों को कभी कभी ईर्षा होती है यदि हमारी बेटियां आगे बढ़ती हैं और इसलिए क्लैपिंग में हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के लोग पीछे रहते हैं <laughs> और ऐसे मौके पर मैं बेटियों से ज़रूर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियां बजनी चाहिए क्योंकि वो आप, आपको ही आगे आना पड़ेगा लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारी बेटियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है मुझे बताया गया है कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो छात्र छात्रा अनुपात का अनुपात लगभग बराबर है लेकिन बीटेक और एमटेक में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम है आज समय की जरूरत है की बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा देवियों और सज्जनों कानपुर से विशेष रूप से जुड़ा होने के कारण मेरी आप सबसे कुछ विशेष अपेक्षाएं भी रहती हैं पिछले शनिवार 20 नवंबर के दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में मुझे शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों और निकायों को पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मिला कुल मिलाकर उस दिन लगभग 300 पुरस्कार प्रदान किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में ये देखने को मिला कि वर्ष 2016 में देश के शहरी निकायों में एक स्थान से कानपुर शहर 2021 की रैंकिंग में 21वें स्थान तक पहुंच गया है ये खुशी की बात हो सकती है लेकिन संतोष की बात नहीं है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से एक कानपुर शहर की स्वच्छता में सुधार होने से पूरा देश पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है मैं कानपुर के निवासियों के स्वभाव को गहराई से जानता हूँ कानपुर के लोग मेहनती लगनशील और निष्ठावान लोग यदि कुछ ठान लेते हैं तो उसे हासिल कर ही लेते हैं और इसीलिए मेरी अपेक्षा है कि कानपुर के निवासियों का ये जज्बा शहर की स्वच्छता के लक्ष्य को एक जन आंदोलन बनाने में लगे यहाँ के प्रशासनिक व नगर निगम के अधिकारियों से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे देश में लगातार प्रथम स्थान पाने वाले पांचवी बार इंदौर शहर को पुरस्कार मिला है प्रथम शहर हो प्रथम स्वच्छ शहर होने का प्रथम स्थान पाने वाले इंदौर शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को जाकर देखें और वहाँ के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर कानपुर को देश के पांच स्वच्छतम शहरों में स्थान दिलाने के लिए प्रयास करें कानपुर को कचरा मुक्त शहर बनाने के प्रयास में एच बी टी यू सहित कानपुर के सभी उच्च शिक्षण संस्थान औद्योगिक अनुसंधान के सभी संस्थान सभी विद्यार्थी तथा जिम्मेदार नागरिक जिनमें कि हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं मिलकर युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ देवियों और सज्जनों आज जब अपने विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मना रहे हैं तब स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वर्ष दो में जब देश स्वाधीनता की शताब्दी शब्द शताब्दी मना रहा होगा तब आपका विश्वविद्यालय अपने 125 वर्ष पूरे कर रहा होगा मुझे बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में एच बी टी यू एक सौ छाछठवें स्थान पर है आप सबकी सोच वैश्विक स्तर की होनी चाहिए तथा आप सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि वर्ष दो तक आपका विश्वविद्यालय एन आई आर एफ रैंकिंग में देश के कम से कम 25 शीर्षस्थ स्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है इसके लिए आप सबको संकल्पबद्ध होकर कार्य करना पड़ेगा मुझे विश्वास है कि आप सब अपने विश्वविद्यालय तथा देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे मैं एक बार फिर एच के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की काम करता धन्यवाद धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत माननीय राष्ट्रपति महोदय देवियों और सज्जनों अब राष्ट्रगान होने जा रहा है आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे उत्तर प्रदेश के कानपुर से जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे बढ़ेंगे आगे और नजर डालेंगे इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर उत्तर प्रदेश के विकास यात्रा में जुड़ेगा नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध नगर में आज रखेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जेवर एयरपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन राष्ट्रपति ने कानपुर के हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह पर आधारित सिक्का और एक डाक टिकट किया जारी भारत की नौसैनिक और मारक क्षमता बढ़ाने की ओर एक ठोस कदम नौसेना के बेड़े में आईएनएस विला हुआ शामिल स्कॉर्पियन डिजाइन कलवरी श्रेणी के इस चौथी पनडुब्बी को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने नौसेना बेड़े में किया शामिल मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है वेला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित कहा मोदी जी के नेतृत्व में गोवा में विकास की गाथा को आगे बढ़ाने पर काम जारी जेपी नड्डा ने पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना त्रिपुरा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी राजधानी अगरतला नगर निगम और अन्य नगर निकायों की 200 से अधिक सीटों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है मतदान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शांघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक में एससीओ सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष पर्यवेक्षक राज्य और एससीओ के महासचिव लेंगे हिस्सा अफगानिस्तान सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर होगा विचार भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर में शुरू भारत ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला तीन स्पिनर्स और दो तेज गेंदबाजों की टीम में शामिल श्रेय सैयर का हुआ टेस्ट में पदार्पण और अब सभी खबरें विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी